हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिफ्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लिफ्ट एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है जो बहुत सारी पार्ट से बनी होती है। हर पार्ट को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल किया जाता है जिससे कि कहीं कोई चूक ना हो। चलिए लिफ्ट्स के इम्पोर्टेंट पार्ट्स देखते हैं जिन्हें इंस्टॉल किया जाना है। सबसे पहला पार्ट है लैंडिंग डोर, उसके बाद गाइड रेल्स जिस पर लिफ्ट चलती है, और होता है लिमिट डिवाइस, ट्रैक्शन मोटर जो लिफ्ट का मेन पार्ट है, मोटर के लिए सपोर्टिंग बीम, पैसेंजर कैबिन जिसमें पैसेंजर जाते हैं, लिफ्ट कार कंट्रोलर जो लिफ्ट को चलाता है, पिट लैडर पिट में जाने के लिए, शाफ्ट केबल इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के लिए, काउंटरवेट प्रोटेक्शन, वायर रोप कैबिन को चलाने के लिए, बफर स्प्रिंग कैबिन और काउंटरवेट के लिए, काउंटरवेट के लिए गाइड रेल्स, काउंटरवेट, स्पीड गवर्नर सेफ्टी के लिए, और स्पीड गवर्नर का टेंशन डिवाइस। सबसे पहले लिफ्ट का प्रॉपर साइज मेजर किया जाता है, उसके बाद स्कैफोल्डिंग लगाने के लिए वुडन राफ्ट्स बांधते हैं, उसके बाद शेल्फ को इंस्टॉल किया जाता है। अब लेजर टेप से मेजरमेंट फाइनल किया जाता है और नीचे पीट में एक और शेल्फ डाला जाता है। इसके बाद नट्स के हेल्प से वॉल पर गाइड रेल्स और ब्रैकेट इंस्टॉल किया जाता है। आप बेयरिंग बीम को इंस्टॉल करके उस पर मोटर फिक्स की जाती है। यह अच्छी तरह से हो जाने के बाद कैबिन इंस्टॉल की जाती है। यहाँ पर पहले एक शेल्फ बनाया जाता है और उस पर कैबिन की फ्रेम बनाई जाती है। इस सब के बाद स्पीड गवर्नर इंस्टॉल किया जाता है और साथ में उसका टेंशन डिवाइस भी लगाया जाता है। यह सब हो जाने के बाद स्कैफोल्डिंग को निकाल दिया जाता है। और काउंटर वेट को एक एक करके रखा जाता है और पूरा सिस्टम बन जाता है। अब सेफ्टी के लिए काउंटर वेट बफर और कैबिन बफर को इंस्टॉल किया जाता है। इस सब के बाद आप कॉम्पेंसेशन डिवाइसेस लगाए जाते हैं काउंटर वेट को भी और कैबिन को भी। मैकेनिकल पार्ट्स पूरी तरह से इंस्टॉल होने के बाद अब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए जाते हैं। साथ ही में एडजेसेंट केबल्स भी इंस्टॉल किए जाते हैं।
लिमिट डिवाइसेस भी लगाए जाते हैं लिफ्ट को सेफली और स्मूथली चलाने के लिए। फिर लैंडिंग डोर्स लगाए जाते हैं और सबसे लास्ट में लैंडिंग के और कैबिन के बटन्स लगे जाते हैं। और कैबिन डोर और डोर ऑपरेटर को इंस्टॉल करते ही लिफ्ट का इंस्टॉलेशन पूरा हो जाता है। ये सब हो जाने के बाद लिफ्ट को स्लो स्पीड में शुरू किया जाता है और पूरा इंस्पेक्शन हो जाने के बाद फिर उसे हाई स्पीड में लाया जाता है। तो यहाँ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।